एज अ टीम लीडर अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नंबर वन, डेलीगेट। अपने काम को डेलीगेट करके काम करने से आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नंबर सेकेंड, इमोशनल इंटेलिजेंस। पर्सनल टीम मेंबर्स के साथ अपनी एक बॉन्डिंग बनाने से स्ट्रॉन्ग टीम हो जाती है। नंबर थ्री, सेट योर बाउंड्रीज। प्रोफेशनल एंड पर्सनल सेटिंग में एक बाउंड्रीज के साथ काम करने से आपकी टीम अच्छे से काम करती है। नंबर फोर, ऑर्गेनाइज्ड रहना। शेड्यूलिंग को सेट करना, प्लान तरीके से काम करना, जिससे आपकी टीम आगे अच्छे से काम कर सकती है। एंड नंबर फाइव इज टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग कैसे बनेगी? टू कम्युनिकेट विद अ गुड रिलेशनशिप। थैंक यू। अगर आपको अपनी टीम को इफ़ेक्टिव बनाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नंबर वन, एज अ टीम लीडर आपको मेंटोर बनना है रैदर देन एज अ बॉस। सेकेंड, आपको अपनी टीम मेंबर्स के साथ ओपन डिस्कशन करना बेहद ज़रूरी है ताकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली तरीके से निकल सके, बिकॉज सभी जब पार्टिसिपेट करते हैं तो सबके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं। नंबर थ्री, अपने टीम मेंबर्स के साथ ये ज़रूरी रखना है बातें कि अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरी टीम मेंबर के साथ शेयर ना करें। एंड नंबर लास्ट, सभी टीम मेंबर्स को रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट करते रहना है जिससे एज अ टीम आपकी एक अलग तरीके से पहचान बन सके। थैंक यू। इम्पॉर्टेंस क्या होता है टीम का? टीम आपकी मेंबर्स के साथ मिल करके बनती है। उसमें सबसे पहली चीज़ आपकी टीम बिल्ड होती है मेंबर्स के द्वारा। सेकेंड, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बूस्ट होती है जब आप काम करते हैं। तीसरा, आप डेली कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं, मेंबर्स के साथ चलते हैं और उस पर काम करते हैं। एंड लास्ट फोर्थ इज़ योर सैटिस्फैक्शन। हर टीम मेंबर को ये सैटिस्फैक्शन होता है कि उसने जो भी चीज़ सीखी है वो अप्लाई कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो ये हुई ना इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम। थैंक यू। एज अ टीम लीडर अपनी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी भी टीम मेंबर को फीडबैक के तौर पे उसको आप अप्रिशिएट करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में अगर आप ग्रुप में मेंबर को अप्रिशिएट करते हैं और उसे बताते हैं कि हाँ ये इसका काम ये बहुत ही अच्छा रहा है बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर स्किल सेट के बेसिस पे, तो उस चीज़ को लेकर के एज अ टीम मेंबर कॉन्फिडेंस फील करता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप उसके ओपिनियंस को लेते हैं हाँ और उसकी बातों में उसकी बात को समझते हैं तो उसे अप्रिसिएशन फील होता है कि हाँ मेरी बात समझी गई है। थैंक यू।